मेरे प्यारे दोस्तों, आपका वापस एक ग्रीन एंड क्लीन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद मणि शुक्ला आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक घर के अंदर में ग्रीन वर्टिकल वॉल जो है लगाई जा सकती है। ये देखिए आपके सामने जो ये पैनल दिख रहा है, ये है 2 फीट बाय 2 फीट और इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ये पैनल बने हुए हैं। ये ब्रीदेबल ग्रो बैग से हैं और ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इसमें कोई वजन नहीं होता है। इसमें पौधों को आसानी से सांस लेने को मिलता है और इसमें यहाँ पे देखेंगे आप आइलेट्स लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4 इस तरीके से इसमें 10-12 आइलेट लगे हुए हैं, जो कि इजिली आप कहीं भी ड्रिल करके फिक्स कर सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि वर्टिकल ग्रीन वॉल से लोगों की दीवारों में सीपेज का लोगों को डर होता है कि हमारी दीवार खराब हो जाएगी, दीवार में नमी आ जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए इसके पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसके पीछे हमने प्लास्टिक शीट का एक इंसुलेशन दिया हुआ है ताकि आपके दीवारों में किसी प्रकार का सीपेज ना जाए। अब इसमें आपको ये 16 पॉकेट मिलते हैं, 1 2 3 4 और इस तरीके से ये, और 1 2 3 4 16 पॉकेट के साथ में आपको जो मिलता है वो एक आपको ये ब्रीदेबल पोटली मिलती है। ये देखिए कितनी सुंदर सी पोटली है। आपको इसके अंदर में कहीं कुछ भी नहीं लगाना है। अमूमा देखने में आता है कि घरों में अपन जब इसको लगाते हैं पैनल को, इसमें मिट्टी पौधा सब डालते हैं, बच्चों की महिलाओं की कई बार लंबाई कम होती है तो उनको किसी चीज़ को ऑपरेट करने में बड़ी दिक्कत आती है, पौधा मर जाता है। आपको करना क्या है, ऐसी पोटली मिलती है, इसके साथ में आप सॉइललेस मीडिया बना सकते हैं या हम भी उपलब्ध करवा देते हैं। उस सॉइललेस मीडिया को आप इसमें डालिए, पौधे को लगाइए और लगाने के बाद में ये देखिए आप इसके अंदर में ये इसका गर्दन जैसा है, इसमें ये धागा लगा हुआ है बांध खींचने का। आप इसको डाल के इसको खींचेंगे तो बिल्कुल ऐसा टाइट हो जाता है और ये बहुत सुंदर सी पोटली बन जाती है। इस पोटली को आपने पौधा लगाया मीडिया मिक्सचर के साथ में और इसके पीछे हैंग करने का है, आप इस पौधे को इसके अंदर में डाल दीजिए। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। आपको इसको पानी देना है, पानी देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसको निकालिए, निकाल करके ये बकेट देख रहे हैं आप, इस बकेट के अंदर में 2 बूंद 3 ml 1 लीटर पानी में कोई भी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आप डालिए और डाल करके इसको आप ये डाला और ये निकाला, हार्डली आपको 2 सेकंड इसको रखना है और जब ये पानी इसमें से झड़ता है इस समय आप क्या कर सकते हैं, इसको रोक लीजिए इसमें या आप इसको अपने घरों की रेलिंग में, इधर देख सकते हैं रेलिंग में आप इसको ऐसे लटका सकते हैं। ये देखो तो आपके घर में ऐसे 17-18 पौधे आपको लटके हुए देखने को मिलते हैं और घर भी अच्छा लगता है। जब इसका पानी झड़ जाए उस वक्त आप इसको निकालिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो घर में जगह जगह पौधे भी दिखाई देते हैं रेलिंग पे, दूसरा पौधों को जो सनलाइट मिलने वाली होती है चाहिए वो भी इनको आसानी से मिल जाती है और उसके बाद में आप अपने घर में इस पौधे को लाइए और इसको इसमें डाल दीजिए। ये देखिए और इजी, कितना इजी इंस्टॉलेशन है, कितना इजी वाटरिंग है। इसमें जो सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं उस सॉइललेस मीडिया की खासियत ये होती है कि वो अपने अंदर पानी को 3-4 दिन तक अपने अंदर में उतनी पर्याप्त नमी बना के रखता है। दूसरा, इसमें पौधा मरता नहीं है क्योंकि आपने देखा इसमें जब हमने पानी दिया तो एक्सेस वाटर इसने जो है वो हटा दिया और एक देखिए अब कोई पानी नहीं टपक रहा है इसके अंदर में। तो और पौधा आपको जितनी नमी चाहिए उतना इसको मिलता है। 5-7 रोज में गर्मी आवश्यकता अनुसार आप इसमें पानी के लिए इसको निकालिए, ऐसे कठपुतली की तरह हाथ में रखिए और डिप कीजिए, डिप करके रेलिंग पर लटका दीजिए, सनलाइट भी मिल जाएगी, पानी भी झट जाएगा और इसमें लगा दीजिए आप। ये देखिए ये 16 पॉकेट है, इसके साथ में 18 पोटलियाँ दी जाती हैं ऐसे ग्रुप एक्स की, और ताकि अगर इनके साथ में कोई पौधा मर जाता है, किसी कारण से कोई नुकसान हो जाता है उसके, उस दौरान आपको कोई मिट्टी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। 2 एक्स्ट्रा पौधे जो है उनको लीजिए और यहाँ रिफिल कर दीजिए। इसकी खासियत क्या है, क्योंकि ये मिट्टी में डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है, इसकी खासियत यह है कि आप इसको जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ऊपर वालों को निकालिए, नीचे लगा दीजिए, बीच वालों को निकालिए, ऊपर लगा दीजिए। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप इसमें हर रोज वीक में एक बार जैसे ही आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप इसके अंदर में इस पैनल को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर में देखिए सेल्स के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। इसका माउथ अगर आप देखते हैं तो हमेशा खुला ही रहता है, आपको डालने में पौधे को निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ओपन माउथ है इसका, तो आप इसके अंदर में इसको डाल दीजिए। काफ़ी अच्छी इसमें स्टिचिंग का किया गया है, आईलेट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छे आईलेट दिए गए हैं इसके अंदर में ताकि पैनल को कोई लोड ना आए, और इसके अंदर में साइडों में बेल्ट भी दी गई है ताकि इसकी स्ट्रेंथिंग जो है और अच्छी मजबूत हो। आई होप कि मुझे आपको ये चैनल जो है ये चैनल और प्लस चैनल के साथ में हम जो रोज़ प्रतिदिन आपको इस टाइप की वीडियो बताते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा।
अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज में टेस्ट कीजिए, मैं आपको नए नए वीडियोज बना के आपको अपडेट करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।